मेरा नाम गौरव गुरुदास माडगढ़कर है, मैं गोवा से आया हूँ और ये हमारी गोवा टीम है। और यहाँ जम्मू में तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन देखते हैं खेल कैसा होता है। सॉफ्टबॉल गेम है और जोश तो भर भर के है, सभी टीम तो जीतने को ही आई है, देखेंगे जो अच्छी परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। तो क्या मन बना के आए हो घर से, क्या कुछ करना है? वैसे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन गेम अच्छी दिखानी है, यही मन है। जो इज्जत रहती है ना वो रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। मैसेज ये है जो जितना कौन अच्छा प्रैक्टिस करेगा उतना उसको मेहनत हमेशा ही मिलेगी। जो अकोमोडेशन और बाकी सब चीजें कैसी लगी आपको? अकोमोडेशन हम रात को 3 बजे पहुंचे थे और यहाँ की अकोमोडेशन सेवा बहुत अच्छी है। 3 बजे पहुंचकर भी हमें रिसीव करने को आए रात को, और 3 बजे और लाके हमको होटल में छोड़ दिया और सुबह हम इधर आए। मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ टीम से बिलोंग करती हूँ। सॉफ्टबॉल मन तो बना के आए कि इस बार मेडल, क्योंकि पिछले बार हमारा मेडल थोड़ा सा चूक गया था, तो इस बार हम मेडल के लिए आए हैं सबसे ज्यादा। तो हमें बताइए कश्मीर कैसा लगा, यहाँ का मौसम, अकोमोडेशन? कश्मीर तो बहुत अच्छा है, जन्नत है, बट मौसम थोड़ा सा, हम उधर से है ना, तो इधर मौसम थोड़ा सा ठंड ज्यादा है तो हैंडल नहीं हो पा रहा, बट अभी नॉर्मल है। सुविधाएं तो बहुत अच्छा है, हमको होटल पे रुकवाया गया, मतलब अभी तक कोई नेशनल पे होटल पे नहीं रुकवाया गया था, तो अभी होटल पे है। बाकी खाना वाना का तो ठीक है, आज एक ही दिन हुआ है तो, और बाकी रुकवाने का जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स के मन में क्या है उसके हवाले से बताइए, किस टाइप से प्लेयर्स, क्या क्या जोश है? प्लेयर का जोश तो बहुत हार्ड है, बट सुबह आए थे तो ठंड ज्यादा था, तो लग रहा था कि हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, हम खेल पाएंगे कि नहीं, बट अभी तो मौसम नॉर्मल हो गया, तो जोश ये है कि बस विक्ट्री है, सिर्फ जीतना है और कुछ नहीं। नेशनल सॉफ्टबॉल सीनियर्स चैंपियनशिप जो है वो यहाँ हो रही है, दीज आर नेशनल गेम्स, जिसमें आपने अभी देखा दैट वी हैव एथलीट्स, वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, 27 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज एंड क्लब वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वी हैव सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु आर हियर टुडे। आई एम थैंकफुल टू द फेडरेशन, द नेशनल सॉफ्टबॉल फेडरेशन फॉर हैविंग एग्रीड टू कंडक्ट दीज नेशनल गेम्स हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारी अपनी टीम के लिए आई थिंक विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, इट विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर देम ऑल्सो। इस साल हमारी कोशिश है कि हम 25 से ज्यादा नेशनल गेम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में करें। अभी आपने देखा रिसेंटली पिछले हफ्ते ही हमारी 2 नेशनल स्कूल गेम्स, फुटबॉल और उसके बाद वॉलीबॉल जो है वो यहाँ इसी बख्शी स्टेडियम में जो है उसकी इनॉग्रेशन हुई थी, ऑनरेबल एलजी साहब ने उनको इनॉग्रेट किया। अगले हफ्ते जम्मू में हमारी 2 और गेम्स की, 4 नेशनल गेम्स जो है होने जा रही है। हमारा एंडेवर है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छा एक्सपोजर टू डिफरेंट गेम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें वो एक्सेल कर सके। सॉफ्टबॉल जो है इट्स एन ओलंपिक गेम, आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन दैट वी आर होल्डिंग दिस गेम्स टुडे। आई मस्ट ऑल्सो हैव अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द स्पोर्ट्स काउंसिल हु हैव बीन वर्किंग हार्ड इन कंडक्टिंग दीज गेम्स एंड इन प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स जो हैं और हमारे यूथ हैं। और आप खुद देख रहे हैं, आप जहाँ जाए वहाँ गेम्स चल रही हैं, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ अलग अलग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट हैज ग्रोन एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। I wish and I hope that these games are a great success and all the students, about 1200 of them participants who have come from all over the country, they go back as our ambassadors, they carry out, take the message of love and peace and brotherhood from here in Jammu and Kashmir, and they are able to not just excel in the sport, लेकिन दे आर एबल टू मेक ग्रेट फ्रेंड्स हियर एज़ वेल। आप वो खुद देख सकते हैं स्पोर्ट्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जहां जाएं आप देखें कि हमारे यूथ जो है वहां पे गेम खेल रहे हैं। हमारे जो प्लेटफॉर्म उनको हमने दिया है, कई ऐसे स्टेडियम्स बनाए गए हैं जो पहले कभी कोई फ्लडलिट स्टेडियम नहीं था, आज देर आर मोर देन 60 फ्लडलिट स्टेडियम्स। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों को काफी, जो सोशल इवेंट्स हैं, कई ऐसी बुराइयां हैं जो समाज में है जैसे ड्रग एडिक्शन, उससे दूर रखती है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यंग मैन, यंग यूथ जो हमारा है
उसको प्रिपेयर करता है टू एक्सेल इन दिस वर्ल्ड। बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं, बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स सिखाता है, जिसमें हमारी स्पोर्ट्समैनशिप है, टीम वर्क है, ऑनेस्टी है, वर्किंग टुगेदर है, वर्किंग एज ए टीम है। आई थिंक दैट स्पोर्ट्स जो है इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एवरी पर्सन, नॉट जस्ट फॉर द यंगस्टर्स बट ऑल्सो फॉर ओल्डर पीपल। इस साल हमने यहाँ एक नई एक वर्टिकल जो है यहाँ लॉन्च किया है, दैट इज स्पोर्ट्स फॉर ओल्डर पीपल ऑल्सो, जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। आप जानते हैं हेल्दी बॉडी इज ए हेल्दी माइंड एंड देर इज नो एक्टिविटी बेटर देन स्पोर्ट्स टू बी एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ स्पिरिट अमंग द पीपल।